हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में हल्दी की क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये हल्दी की क्रीम बहुत ही असरदार है आपकी स्किन को गोरा, निखरा हुआ और स्पॉटलेस यानी कि क्लियर बनाने में। ये हल्दी की क्रीम 100% नेचुरल है और 100% इफेक्टिव है आपके चेहरे पर से किसी भी दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, पिंपल्स या उनके स्कार्स को कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इस 100% नेचुरल और इफेक्टिव टर्मरिक की क्रीम यानी कि हेल्दी की क्रीम को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर। फिर हमें चाहिए राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। फिर हमें चाहिए शहद। उसके बाद हमें चाहिए गुलाब जल। फिर हमें चाहिए आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। और अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो चलिए अब इस क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में एक चम्मच हनी यानी कि शहद लेना है। फिर हमें शहद के अंदर आधा चम्मच आमंड ऑयल डालना है यानी कि बादाम का तेल डालना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और अब हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। फिर हम इस पेस्ट को और स्मूथ करने के लिए, थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, इसमें आधा चम्मच गुलाब जल डाल रहे हैं और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि एक स्मूथ और रनी पेस्ट बने। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपके स्मूथ पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। ये थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो अब हम इस पेस्ट के अंदर 1-2 चुटकी हल्दी का पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें आधा चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा डालेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने। और हमें इस पेस्ट को थोड़ा थिक रखना है ताकि ये क्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी बने। और यहाँ पर मेरा पेस्ट ज़्यादा थिक नहीं था यानी कि गाढ़ा नहीं था, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और हल्दी का पाउडर और चावल का आटा मिला रही हूँ ताकि ये पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक और क्रीमी बने। और सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका एक पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी होगा और थोड़ा थिक रहेगा ताकि आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा फ्लफी बने। तो चलिए अब हम इस पेस्ट के अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट डालते हैं जो कि है एलोवेरा जेल। और यहाँ पर मैं 1-2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। और एलोवेरा जेल डालने के बाद आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी, फ्लफी और स्मूथ बने। और सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी हेल्दी की क्रीम यानी कि टर्मरिक क्रीम रेडी है। और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये क्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी, फ्लफी होगी जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ और मीडियम होगी, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा रनी, जस्ट लाइक अ क्रीम। तो चलिए अब देखते हैं कि इस टर्मरिक क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही ईजी है। आप इस क्रीम को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में 10-15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को यूज़ करना भी बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ इसको अच्छे से अपनी स्किन पर लगाना है और जेंटली 30-40 सेकेंड के लिए मसाज करना है सर्कुलर मोशन पे अपनी स्किन पर। ये क्रीम आप अपने फेस, नेक और पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। और अच्छे से मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो इसको 2 बार इस्तेमाल कीजिए, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले।
तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोज़ की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।